दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जबकि मेरे को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लगातार पूरे देश में और जहाँ हम रायपुर में रहते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों पर आग लग चुकी है। जैसे कि रेलवे स्टेशन में आग लगी थी, तुलसी होटल में आग लगी थी, सदर बाज़ार में आग लगी थी और पेंट फैक्ट्री में भी आग लगी थी और न जाने ऐसे कितने जगहों पर आग लगी। साथ में पूरे इंडिया में ये आग लगने की घटनाएं होती जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ऐसे हो रहा है, और ये जगह इसलिए मैं इस जगह का बना रहा हूँ क्योंकि ये आईटी हब माना जा सकता है रायपुर छत्तीसगढ़ का। यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें बेची जाती हैं, खरीदी जाती है। यहाँ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे आग लगी है और जब मैं ये देख के आया, मैंने खुद ये वीडियो लिया है, किसी से टापा नहीं है, ये वीडियो मैं खुद बना के आया हूँ। तो ये लगातार आग ये धधक रही थी, जब तक मैं आया तब तक ये आग बुझाने का काम चल ही रहा था। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ थी। तो इस पे भी टेक्नोलॉजी की बात किया जा सकता है, बहुत ज़रूरी भी है कि आग लगने पर बड़े नए नए तकनीकों का जो है इस्तेमाल होना चाहिए। बीच में न्यूज़ आई थी, पेपर में छपा था कि जो है काफ़ी सारी तकनीकों का यूज़ हो रहा है, हाइट जो है काफ़ी हाइट पे जाके आग बुझाई जा सकती है, ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। काफ़ी पावर से पानी जो है वो पानी का बौछार फेंका जा सके, ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में तो जो तंग गलियां हैं वहाँ पे जाके आग बुझाना बड़ा ही मुश्किल। मैंने खुद अभी देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो अंदर नहीं जा पा रही थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था आग बुझाने में। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी और ऐसे जगहों पर अगर आग लग जाए पूरा, अगर रवि भवन में आग लग जाता है तो काफ़ी कई सौ करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये पूरा आईटी हब है रायपुर का। तो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जगह है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। 4 प्रकार की आग होती है। पहला जनरल फायर होता है, जो कि कोयला, कपड़ा और आग और कागज़ की आग होती है। इस श्रेणी में होते हैं। इसे पानी और CO2 XT गाइजर से बुझाते हैं, जिसको अग्निशामक बोलते हैं। दूसरा जो होता है तेल की आग, डीजल, पेट्रोल की आग इस श्रेणी में आते हैं। इसे DCP XT गाइजर एवं फोम XT गाइजर से बुझाते हैं। तीसरा जो है रासायनिक एवं बिजली आग, शॉर्ट सर्किट और बिजली से लगी आग इस श्रेणी में आते हैं। इसे DCP एवं CO2 XT गाइजर से बुझाते हैं। चौथा टाइप का जो होता है धातु आग होता है। किसी भी धातु में लगी आग इस श्रेणी में आते हैं। इसे DCP CO2 XT गाइजर से बुझाते हैं। तो लोगों से यही अनुरोध है कि कहीं पे भी बीड़ी सिगरेट पीकर ना फेंकें और कहीं भी माचिस की तिल्ली ना फेंकें। और सरकार को भी चाहिए कि वो जितने भी जगह हैं, जो ट्रांसफार्मर है या फिर जितने भी तार वाले जगह है जहाँ से बिजली का वायर गया हुआ है, वो पुराने वायर को ठीक कर दे ताकि शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आगों पर काबू पाया जा सके। रायपुर में बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत जान और माल का नुकसान हो रहा है। तुलसी होटल में कई लोग जिंदा जल गए। तो ये टाइम है कि हम पूरे टेक्नोलॉजी को लगा दें आग से जुड़ी घटनाओं के लिए और अपना बचाव हम खुद ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आग लगने की घटनाओं में हर साल दुनिया में न जाने कितने जाने चली जाती है। कई बार तो बचाव दस्त टाइम पर आग लगने की जगह पर पहुंच ही नहीं पता, और बहुत बार ऐसा होता है कि आग इतनी भभक चुकी होती है कि उसके अंदर घिरे लोगों तक पहुंचने के लिए फायर फाइटर्स को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इन सब परेशानियों को दूर ऑस्ट्रेलिया के फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट ने और एक रोबोट तैयार करके कर लिया है, जिसे रिमोट से चलाया जा सकता है। इस रोबोट की खूबी यह है कि अपने रास्ते में आने वाली बड़ी रुकावटों जैसे सोफे, मेज, बेड और यहाँ तक कि कार को भी हटा सकता है। इसके अलावा यह रोबोट 60 मीटर तक आग बुझाने वाली झाग और पानी की बौछार कर सकता है। वहीं पानी की धार को यह 90 मीटर तक पहुँचा सकता है। आगजनी होने पर यह रोबोट अब हजारों लाखों जिंदगियां बचाने के काम आ सकती है। तो ऐसे कुछ टेक्निक हमारे इंडिया में भी लानी चाहिए, और भी बहुत सारे टेक्निक हैं जिनका यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।